बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा आज राज्य भर में खड़ा खोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कड़ी में रांची के बिरसा चौक पर कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के पाप का खड़ा खोड़ कार्यक्रम चलाया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य में जो सरकार चल रही है वह युवा, महिला और जनता विरोधी सरकार है। ये सरकार राज्य की जनता के साथ लगातार वादा खिलाफी कर रही है। इस सरकार का पाप का घड़ा भर गया है और अब पार्टी चुप नहीं बैठेगी। सरकार जन विरोधी सरकार है, ये सरकार युवा विरोधी सरकार है, रोजगार को खत्म करने वाली सरकार है। को रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी भत्ता की बात और किस रकम की बात कर रहे थे दीपक जी, इधर भी भूल गए। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये सरकार आदिवासी, महिला, नौजवान, रोजगार सबका विरोधी साबित हुआ और कोरोना से लड़ाई में अपने आप को असफल साबित किया इस सरकार ने। झारखंड की जनता इस सरकार से 1.5 साल के अंदर परेशान है और तो दूसरे शब्दों में कहेंगे कि सरकार मस्त, जनता है। के द्वारा आज हम सभी लोग बिरसा चौक पर खड़ा खोड़ का कार्यक्रम किया और ये खड़ा पाप का प्रतीक है। ये खड़ा में हेमंत सोरेन सरकार का पाप भरा हुआ था और हम लोग खोड़ करके ये प्रतीक के रूप में बतलाना चाह रहे हैं कि हेमंत सरकार का पाप का घड़ा टूटेगा और हेमंत सरकार की निरंकुशता टूटेगा। उन्होंने जो युवाओं को वादा किया था 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो इस प्रकार जो युवा विरोधी की सरकार झारखंड में चल रही है, महिला विरोधी की सरकार झारखंड में चल रही है, किसान विरोधी सरकार चल रही है, यहाँ के आदिवासी विरोधी सरकार चल रही है, वही आदिवासी को ठग करके यहाँ स्थानीयता के नाम पे लोगों को लड़वा करके ये सरकार ना तो आदिवासी के हित में काम कर रही है और जल, जंगल और जमीन के बारे में बात करने वाली हेमंत सरकार आज पूरी तरह से आदिवासियों के विरोध में काम करने वाली सरकार है। न सिर्फ आदिवासी समाज के लोग परेशान हैं, बल्कि इस प्रदेश की सारी महिलाएं परेशान हैं, सारे युवा बेरोजगार परेशान हैं, सारे किसान परेशान हैं, सारे मजदूर परेशान हैं, सारे उद्योग कर्मी परेशान हैं। जो रघुवर दास जी के कार्यकाल में जो विकास की एक लंबी गाथा लिखी गई थी, वो सारी गाथाओं पर हेमंत सरकार ने पूर्ण विराम लगाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी का जो पूरे देश में एक महत्वाकांक्षी जितनी सारी योजनाएं चल रही है, पूरे हमारे झारखंड प्रदेश को सारा शिथिल सा पड़ गया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।